स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंटरनेट पढ़ाई पे। मैं रेणु स्वामी, बायोलॉजी टीचर। तो हम अपना जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर, जिसका क्या नाम था, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो पढ़ रहे थे हम, ठीक है, कि सजीवों की संरचना कैसे होती है। उसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, जो बॉडी के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, सेल। सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, उस सेल में हम साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ रहे थे। कुछ ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं और जो आपके से फाउंडेशन के हिसाब से भी जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं उनमें, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो पीछे वाले ऑर्गन्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी खोज किसने करी है, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही हम जो सेंट्रोसोम है अगला ऑर्गन, उस सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसी है, उसका क्या काम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारा मेन टॉपिक क्या था, सेल स्ट्रक्चर चल रही थी, बट उस सेल स्ट्रक्चर में भी कौन सा पार्ट, साइटोप्लाज्म। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो कौन सा है, सेंट्रोसोम, तारककाय जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, नाम क्या है इसका, तारक काय। तो इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ इसी टाइप की होती है, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी खोज किसने करी, इसके बारे में बताया किसने। तो इसकी खोज, सेंट्रोसोम की खोज किसने करी, बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने करी। कि बेंडेन ने किसकी खोज करी, सेंट्रोसोम की करी। नाम क्या है इसका हिंदी में, तारक काय, मीन्स इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तारक काय वर्ड है, इसके इसका मीनिंग क्या है, तारे के जैसी। तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की हो जाएगी, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तारे के जैसी संरचना होती है इसकी, और देखिए इस टाइप से प्रेजेंट होता है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल में, तो वो कौन सी होती है, वो तारककाय होती है, सेंट्रोसोम होती है, ठीक है। ये बात हो गई इसकी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक वाला जो भाग है, उस केंद्रक के पास पाया जाता है। किसके पास में होगा, केंद्रक के पास में, ठीक है। ये बात हो गई इसकी प्रेजेंस की। नेक्स्ट देखिए, जो तारककाय होता है इसके अंदर क्या होते हैं कि दो जो सेंट्रियोल्स जिनको हम बोलते हैं, वो दो सेंट्रियोल्स इसके अंदर होते हैं, टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होते, दोनों की जो पोजीशन होते हैं क्या होते, इसको हम लंबवत बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ये है उंगली पे, ये लंबवत है, इस पे ये लंबवत है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और देखिए इनमें क्या होता है कि जब मान लीजिए इसका अगर हम फंक्शन देखें, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जब सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में इस चैप्टर में, तो यानी कि कोशिकाओं का विभाजन जब होता है, तो उस टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तर्कुतंतु बनते हैं। तो उन तर्कुतंतुओं के फॉर्मेशन में, इसके अलावा जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनका जो टेल वाला पार्ट है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ये। और इसके अलावा जो मान लीजिए जैसे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोलते हैं जिनको हम, जैसे फ्लैजिला है, सीलिया है, उनके बेस पॉइंट के रूप में काम करते हैं। देखिए चलिए हम इनके पहले देखते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, किसके, सेंट्रोसोम के, ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, तर्कुतंतु बनाएगा, कब बनाएगा, जब कोशिका विभाजित होगी, जब सेल का डिवीजन होगा, तो फर्स्ट काम क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स को बनाना, जो तर्कुतंतु होते हैं उनको बनाना। कब, जब कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है,
तो उस कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? ये तारक गाय करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन हम देखते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करता है? जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनके टेल वाले पार्ट का भी यही फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? स्पर्म टेल के लिए वहां पे प्रेजेंट होगा, तो इनके उस पार्ट को बनाने का काम कौन कर रहा है? ये सेंट्रोसोम कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट इसका काम आता है वो कौन सा आता है? देखिए, हमने आपको बताया किसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनके बेस के रूप में काम करेगा, किनके? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स के क्या? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, वो अंग हैं, और उनके भी जैसे कौन कौन से? फ्लेजिला, सीलिया, तो इनके क्या? इनके आधार बिंदु के रूप में काम करता है, उनके जहां से जुड़े रहते हैं उनके रूप में काम करता है। तो ये कौन सा हो गया? ये सेंट्रोसोम या तारक काय हो गया। अब देखिए, ये जो तारक काय है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है, हम वो चीज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी खोज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये खोज किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है? आपके फाउंडेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, कई बार ये भी पूछे जाते हैं आपके भी शॉर्ट क्वेश्चंस में, मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके से नाइन्थ में अगर एग्जाम्स होते हैं उस टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कोशिका के अंदर तारक की जैसी संरचना, तो आप कौन सा बताएंगे? तारक काय, सेंट्रोसोम, तारक की जैसे क्या है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है कि इसके काम क्या होते हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मत है। नेक्स्ट कौन सा आता है? इसका काम क्या होगा? ये जो तीनों काम है ये आपको बताने, और कुछ नहीं, तो यहाँ पे सीधे थ्योरी में आपके ये पूछ ले कि तारक काय के क्या काम है बताइए, तब आपको ये पार्ट्स बताने पड़ेंगे। क्या करता है? उसके आधार बिंदु ग्रुप में काम करता है, शुक्राणु का जो टेल वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन करता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया? सेंट्रोसोम यानी तारक काय जिसको हम बोल रहे हैं। तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि इसके काम क्या हैं, इसकी खोज किसने करी है। तो देखिए, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप हमारे जो वीडियोस हैं वो लगातार उनको देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया कौन सा ऑर्गन? सेंट्रोसोम। अभी जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वो ऑर्गन कौन सा है? देखिए, ये इसके अंदर देखिए कई ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, लगभग ये सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो ऑर्गन आता है इसके अंदर लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? रिक्तिका, वैक्यूल्स। देखिए, इसके प्रेजेंस के कोशिका के अंदर देखिए इस टाइप से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट, बाकी ऑर्गन्स थे बट ये जो ऐसे गोल संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं या फिर रिक्तिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये तो है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में इसकी पोजीशन अलग होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये होते क्या है। देखिए, प्रेजेंट कहाँ होंगे, किसके ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं हम कोशिका द्रव्य के ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ पे हो गई? साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होगे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा होता है? कि ये कैसे होती हैं? बहुत बहुत छोटी होती हैं स्ट्रक्चर में, और कैसे होती हैं कि जैसे छोटी है लेकिन जो बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में क्या करती हैं, जो पदार्थों का जो भी आवागमन होता है वो करती हैं। कौन? रिक्तिकाएं, ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये। अब देखिए, इनमें क्या होता है कि जो ये रिक्तिकाएं होती हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड किससे होती हैं वो चीज देखते हैं हम। बट उससे पहले हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर किस रूप में प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे जो गोलिकाएं होती हैं, कुंडलिकाएं होती हैं, तो ये एक गोले के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और वो संरचनाएं क्या कहलाती हैं? वैक्यूल्स कहलाती हैं। कैसे? जिसको हम इसको एज ए बबल, बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनके स्ट्रक्चर में हम क्या नाम दे सकते हैं इनको? स्ट्रक्चर कैसे हो गई?
वो छोटी होंगी और कैसे स्ट्रक्चर है, बुलबुले जैसी, ठीक है, ये बात होगी। अब तो अब अगर मान लीजिए हमसे इसकी डेफिनेशन वो पूछे कि रिक्तिकाएं कहते किसे हैं या रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तब आपको बताना है कि कोशिका प्रेजेंस कहाँ है, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो कोशिका द्रव्य में छोटी और बुलबुले के समान, मतलब वैसे तो छोटे पर बड़ी, सूक्ष्म और बड़ी दोनों रूप में पाए जाएंगे, किसी के अंदर छोटे भी होंगे और किसी के अंदर बड़ी भी होंगी। तो कैसे होंगे, बुलबुले जैसे स्ट्रक्चर के रूप में जो गोलाकार संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं या वैक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई इस रिक्तिका की। अब सारे ऑर्गन्स में हमने पढ़ा कि उनमें क्या है, उनके चारों तरफ झिल्ली प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन्स है जिनमें नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या कि जो वैक्यूल्स हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं, उनके चारों तरफ भी क्या इसकी जो आउटर कवरिंग होती है कोई तो स्ट्रक्चर, तभी तो ये क्या गोलाकार ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है। तो वो जो चारों तरफ की इसकी झिल्ली होती है उसको क्या नाम देते हैं, इसके चारों तरफ की झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चारों तरफ की झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये बात हो गई इसकी झिल्ली से रिलेटेड और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब देखिए ये ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर मान लीजिए हम इसको इस टाइप से बता सकते हैं, ये कुछ मैटर इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये झिल्ली कौन सी हो गई, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मैटर भरा हुआ है, कोई भी चीज मान लीजिए कोशिका है उसके चारों तरफ झिल्ली, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ तो मैटर भरा हुआ है, कुछ तो चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो उसके चारों तरफ झिल्ली है। और देखिए इसके अंदर झिल्ली, चारों तरफ इसके अंदर झिल्ली है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका रस जिसको हम बोलते हैं, अब वो रस इसके अंदर प्रेजेंट है, बट फिर भी उस मैट्रिक्स में भी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, मतलब जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनमें इसकी कुछ ना कुछ भूमिका होती है, तभी तो ये प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो ये क्यों प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जिन्होंने ये जो झिल्ली है इनको घेरे रखती है, होंगे कहाँ पे, कोशिका रस में, सेल मैट्रिक्स में, ठीक है। क्या क्या होंगे, देखिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी होगा, और भी इसी तरीके से क्या होंगे, जो जिनको हम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, वो सब होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होंगे, उत्सर्जी पदार्थ है जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो उनको बॉडी से बाहर निकालना है, वो सारे इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी झिल्ली क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके काम क्या होते, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वहां पे क्या काम कर रही है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस। देखिए ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, इन रिक्तिकाओं का काम क्या हो गया, सबसे पहले तो ये क्या करती हैं, जो जैसे मान लीजिए इसके अंदर वो कोई जो रस जिसको हम बोल रहे हैं, कोशिका रस बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट है, तो ये क्या करती हैं, कोई भी जो सेल होती है इसको बिल्कुल जैसे जो स्फीत अवस्था बोलते हैं, बिल्कुल जो टाइट जिसको बोलते हैं कि उसकी शेप को बिल्कुल बराबर बनाए रखेगी, तो वो बनाए रखने का काम करती है, स्फीत बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा देखिए और क्या है, जैसे मान लीजिए पानी है इसके अंदर, तो ये जल है, या फिर दूसरे जो अन्य जो पदार्थ होते हैं वो सब किसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके फंक्शंस क्या हो गए, पहला तो सेल को कैसे बनाए रखेगी, स्फीत बनाए रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगी, जैसे जो वाटर है या अदर जो भी मटेरियल है, जो भी कुछ पदार्थ है, उन सब का क्या करती है, ये उन सबको इकट्ठा करती है, उनका संग्रहण करती है, उनका कलेक्शन करती है, ठीक है। ये बात तो हो गई कि इसका काम क्या हो गया। अब देखिए हमने जैसे आपके सेवन्थ क्लास में भी आ चुका है ये, कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती हैं उनके अंदर डिफरेंस किसके बेसिस पे है, इस रिक्तिका के बेसिस पे, वो कैसे है वो देखिए। देखिए इसके दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंस अलग अलग होती है। अब देख आपको सिर्फ सपोज करना है, मान लीजिए ये एक कोशिका है
और ये फिर दूसरी कोशिका है, ठीक है। ये तो है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, ठीक है। आपको सिर्फ सपोज करना है, रियल नहीं है। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे आपने, जबकि इसके अंदर ये सेंट्रल पार्ट हो गया। तो ये जो वैक्यूल्स है, ये भी क्या है, ये रिक्ति का है ये, और ये जो छोटे वाले पार्ट्स हैं ये भी क्या है, ये भी रिक्ति का है। बट इनके स्ट्रक्चर में, इनके प्रेजेंस में, इन सब में डिफरेंस है। वो क्या है कि ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्या है, बड़ी होती है। तो इसका नेक्स्ट करेक्टर क्या हो गया, प्लांट सेल के अंदर क्या होंगी, ये बड़ी होंगी, ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट इनमें क्या होता है कि जो एनिमल सेल होती हैं उनमें तो कैसे प्रेजेंट है, छोटे छोटे गोलाकार संरचना के रूप में प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस बिल्कुल प्लांट सेल एनिमल सेल में अगर हमसे डिफरेंस पूछता है, या फिर मान लीजिए हमसे कोई वैसे भी पूछे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका उनके अंदर कौन सा, आपको डायग्राम दे दे आपसे उसमें आइडेंटिफिकेशन करवाए कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कौन सी प्लांट सेल है कौन सी एनिमल सेल, तो जिसके अंदर आपको ये वैक्यूल्स बड़ी दिखाई देती है वो कौन सी है, वो प्लांट सेल है, जबकि जिसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट है वो क्या है, एनिमल सेल, ठीक है। ये बात हो गई इसकी, किसके बारे में, कि वैक्यूल्स क्या होती है, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और इसी के बेस पे प्लांट और एनिमल सेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हो गया, ठीक है। अब जो सारे ऑर्गन्स थे इसके अंदर, साइटोप्लाज्म, सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, कौन कौन से होते हैं देखिए, माइक्रोबॉडीज हैं, इसके अलावा जैसे परोक्षिसोम जिसको बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरा हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम सेल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट था सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हो चुका है, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म हो चुका है, क्योंकि देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गन्स थे, वो सारे ऑर्गन्स हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंड लास्ट वैक्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि लास्ट वाला जो पार्ट है वैक्यूल्स, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे। अब मान लीजिए आपके अगर नाइन्थ की थ्योरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्रोसेस कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके चारों तरफ की झिल्ली को क्या बोलते हैं। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब लूज मोशन की जो प्रोसेस हो जाती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर लूज मोशन हो जाता है तो उस टाइम बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये रिक्ति का वैक्यूल्स जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो लूज मोशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, पानी है इसके अंदर, और जो वाटर प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, इसके सेल को बिल्कुल शेप को बनाए रख रहा है। और जब बॉडी में जब लूज मोशन हो जाता है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, लूज मोशन है, वोमिटिंग है, तो उस टाइम क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए क्या हो गया कि ये जो वैक्यूल्स है, रिक्तिकाएं हैं, ये इफेक्ट होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट। अब इसमें क्वेश्चंस देखिए, आपको मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी झिल्ली कौन सी है, इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, देन इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पादप और जंतु कोशिका, प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस कराए तो आप इसी वैक्यूल्स के बेस पे कर सकते हैं। हमारा साइटोप्लाज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।